लेकिन स्टूडेंट्स कम पड़ गए थे इनकी आउटपुट स्टेटमेंट्स, और आउटपुट स्टेटमेंट के लिए हम जब कंसोल पे आउटपुट दिखाने हैं तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करने के लिए कुछ ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेप सीक्वेंस करेक्टर्स। क्या करते हैं ये आपकी आउटपुट को स्क्रीन पर थोड़ा बहुत फॉर्मेट कर देते हैं, कोई अच्छी शक्ल में दिखाते हैं, जिस तरह कोई भी आप मोबाइल एप्लीकेशन या कोई भी और एप्लीकेशन कंप्यूटर का आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो डेटा है वो एक खास खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो रीडेबल हो जाए और अंडरस्टैंडेबल हो जाए। तो इसी तरह से C++ भी हमें कुछ स्केप सीक्वेंस करेक्टर्स प्रोवाइड करती है, जिसमें कुछ करेक्टर्स यहाँ पे गिवन है, जैसे बैकस्लैश n है। बैकस्लैश n अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो कर्सर है वो न्यू लाइन पे मूव हो जाएगा। बैकस्लैश t अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे टैब स्पेस मिलती है आपकी, यानी जिन दो स्ट्रिंग्स के दरमियान आप टैब को इस्तेमाल करेंगे तो वो दोनों स्ट्रिंग्स के दरमियान कुछ स्पेसेस ऐड हो जाएंगी, टैब स्पेसेस। बैकस्लैश r कैरेज रिटर्न, ये क्या करता है जी कि आपके कर्सर को जो करंट लाइन है उसके शुरू में ले आता है, यानी बैकस्लैश n अगर नई लाइन पे लेके जा रहा है कर्सर को तो जो बैकस्लैश r है वो करंट लाइन के शुरू में ले जाता है। बैकस्लैश a अलर्ट है, जब आप इसको अपनी आउटपुट के अंदर ऐड करेंगे तो ये उसमें एक साउंड प्रोड्यूस करेगा जब भी वो एग्जीक्यूट होगी वो लाइन। बैकस्लैश ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। बैकस्लैश सिंगल कोट ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। बैकस्लैश डबल कोट ऐड करने के लिए आउटपुट में इस्तेमाल होता है। आगे है इनपुट स्ट्रीम, इस तरह से आप सी इन वेरिएबल में इनपुट ले सकते हैं। दो एग्जांपल्स हैं, इंट एक्स फ्लोट वाई, सी इन इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, और एक्स इज इन एन इंटीजर। तो क्या करेगा, सी इन ऑब्जेक्ट एक्स में इंटीजर वेरिएबल रखवा देगा। दूसरी लाइन है सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर वाई, ये क्या करेगा, वाई के अंदर फ्लोट वेरिएबल रखवा देगा। सो सी इन जब आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे उसके साथ आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, और सम वेरिएबल, वो वेरिएबल किसी भी टाइप का हो सकता है। इस तरह से आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स सी इन और सी आउट के साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मल्टीपल वेरिएबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सी आउट के साथ हमने पहले भी एग्जांपल देखी, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको आप कंकैटिनेट कर सकते हैं यूजिंग द इंसर्शन ऑपरेटर। इसी तरह सी इन के साथ भी आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल वेरिएबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सी इन सेल्स 1, सेल्स 2, सेल्स 3, तीन वेरिएबल्स के और तीनों में डेटा इनपुट लेने के लिए आप एक ही सिंगल लाइन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सी आउट का तो हमें पता है कि ये कंकैटिनेशन करवा सकता है मल्टीपल चीज़ों में, एक स्ट्रिंग है एक वेरिएबल है, तो आप उन दोनों को अगर एक ही सी आउट में ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप उसके साथ इस्तेमाल करेंगे इंसर्शन ऑपरेटर। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं एक्सट्रैक्शन और इंसर्शन की। अगर आपके पास आपने सबसे पहले स्टेटमेंट है सी आउट हेलो वर्ल्ड इंट आई इज इक्वल टू 5, सी आउट द वैल्यू ऑफ आई इज आई, और इसके आई और द वैल्यू ऑफ इज के दरमियान में आपको इंसर्शन ऑपरेटर नज़र आ रहा है जो कि कंकैटिनेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। कंकैटिनेशन का मतलब है इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के बाद ये आई की वैल्यू प्रिंट होगी। इसके बाद ये इसको हमने कंकैटिनेशन के जरिए क्यों मिलाया है, वो इसलिए कि अगर हम इस डबल कोट्स के अंदर ही आई इस्तेमाल कर लेते तो आई ही प्रिंट होना था, आई की वैल्यू प्रिंट नहीं होनी थी। लेकिन अगर हम इस तरह से
आई को अलग प्रिंट करवाएंगे आउट ऑफ द डबल कोट्स, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एंड एल, एंड एल एक कीवर्ड है जो कि इस्तेमाल किया जाता है आपके कर्सर को नई लाइन पर मूव करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से स्केप सीक्वेंस करेक्टर बैक स्लैश एन काम करता है। तो क्या आउटपुट मिलेगी आपको, हेलो वर्ल्ड, द वैल्यू ऑफ आई इज 5। नेक्स्ट एग्जांपल, चार लेटर करेक्टर डेटा टाइप का आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेटर, सी आउट प्लीज एंटर द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लेटर। क्या करेगा, जो आप लेटर अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो सी इन ऑब्जेक्ट लेटर वेरिएबल में रखवा देगा। उसके बाद क्या किया गया है, सी आउट योर नेम स्टार्ट्स विद, कंकैटिनेट किया है उसके साथ लेटर को, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगी, पहले प्रिंट होगा प्लीज एंटर द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम। तो आप जो लेटर भी कीबोर्ड से टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने एफ टाइप किया तो वो एफ यहाँ पे लिखा नजर आएगा, उसके बाद जो अगली सी आउट स्टेटमेंट है उसके जो भी लेटर वेरिएबल में आएगा वो ही चीज जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये था इनपुट और आउटपुट ऑब्जेक्ट्स जो कि सी प्लस प्लस के इस्तेमाल होते हैं टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड टू शो आउटपुट ऑन कंसोल। ये कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स हैं जो कि आप अपने लिए इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, और इसके अलावा आपको एक लिंक गिवन है जो कि ऑनलाइन कंपाइलर है फॉर सी प्लस प्लस। आप इसको इस वेबसाइट के ऊपर जाएं और यहाँ पे आप अपना इन ही प्रोग्राम्स को सॉल्व करके रन करके देख सकते हैं और कंसोल पे आपकी आउटपुट भी वहीं पे आ सकती है।